गुड मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पर देखो, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ठोस आकारों का चित्रण। उसके अंदर हमने पढ़े थे द्विविमीय आकार। क्या पढ़े थे? द्विविमीय आकार। तो द्विविमीय आकार में कौन कौन से होते हैं जरा आप बता सकते हो मुझे? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई तो उसकी दो विमाएं होंगी। कौन कौन से आकार होते हैं द्विविमीय? आपने पढ़ा आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी कैसे होते हैं? द्विविमीय आकार यानी टू डायमेंशनल शेप्स। पढ़ा था ना जी। इनको टू डायमेंशनल शेप्स क्यों कहते हैं? जी क्योंकि इनमें दो विमाएं होती हैं। दो विमाएं होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। तो आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं त्रिविमीय आकार। क्या ले रहे हैं? त्रिविमीय आकार। यानी तीन विमाएं जिसकी होंगी, जैसे थ्री डायमेंशनल यानी तीन जो डायमेंशन, थ्री डायमेंशन उसकी होंगी। अब थ्री डायमेंशन क्या क्या होंगी? जैसे आपने कल पढ़ा था क्या क्या विमाएं पढ़ी थी? लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें एक विमा और होगी। क्या होगी? ऊंचाई। वेरी गुड। इसमें एक विमा और क्या होगी? ऊंचाई। हम कुछ त्रिविमीय आकार देखते हैं, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, आपने कल वृत्त देखा था, आयत देखा था, क्या ये उनसे कुछ अलग नजर आ रहा है? जी। है ना जी। देखो, अगर हम इसको अपनी हथेली पर रख रहे हैं, या आप इसको जमीन पर रख रहे हैं, या किताब पर रख रहे हैं, या टेबल के ऊपर रख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? ये कुछ क्या है? ऊंचा। ऊंचा यानी जो आपकी सतह है, यानी जो आपका तल है, जो आपका क्या है? तल है, सरफेस है, उससे ये ऊपर क्या हो गया है? उड़ गया है। उठा नहीं उठा जी। ये आप कहोगे ना इतना ऊंचा है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या भी है? ऊंचाई भी है। तो कितनी विमाएं हो गई इसकी? कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे। तो क्या होता है? ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनकी कितनी विमाएं होगी? केवल तीन। हाँ, जिसकी जिनकी तीन विमाएं होगी। तीन विमाएं कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हाँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एवं ऊंचाई। त्रिविमीय आकार कहलाती है। ठीक है, ऐसी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो त्रिविमीय आकार कहलाते हैं, यानी वो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, चौड़ाई विड्थ और ऊंचाई हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीजें इसमें होंगी। तो देखो, अब हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ देखो, आपको मैंने बताया ये एक है क्या? देखो, ये एक है घनाभ। क्या है? घनाभ। यानी ये घनाभ कहलाता है और ये क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब देखो, घनाभ और घन ये दोनों, अगर आप देखो ये एक घन है, यानी घनाभ को हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। यानी हम इसको देखो इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपने पहले एक आयत बनाया, ध्यान से देखना किस प्रकार से हम घन को ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो खाली हम कागज को ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी छह की छह सतह हम कागज में देख नहीं सकते हैं ना। जो भी त्रिविमीय आकार है उनको हम कागज में पूरे तरीके से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें आकृति ही चाहिए होगी। तो ये हमने एक आयत बनाया, फिर हम क्या करते हैं, एक आयत और बना देते हैं, ऐसे बनाएंगे। बनाया, अब आपने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे, ये एक क्या बन गया? घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। क्या बनाइए? घनाभ। यानी इसको क्या कहते हैं?
क्यूबॉइड, क्या कहते हैं क्यूबॉइड। अब घर बनाना भी बहुत आसान है। देखो आप पहले एक वर्ग बनाओ, ठीक है, और एक वर्ग और बना, दो वर्ग बना दो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो ये क्या बन गया घर। इसको क्या कहते हैं क्यूब, क्या कहते हैं क्यूब, है ना। तो यहाँ ध्यान देते हैं घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है। देखो दोनों को मैंने अपनी हथेली पर रखा रखा ना, तो दोनों की क्या है कुछ ऊंचाई है, तभी तो आपको ऊंचा दिख रहा है ना। अगर ऊंचाई नहीं होती आपको ये दिखता ही नहीं, मेरी हथेली में ही चिपक जाता है ना, तो ये ऊंचा आपको दिख रहा है ना, ऊपर उठ गया है, तो इसकी क्या भी है कुछ ऊंचाई। अब ये देखो कैसे इसकी ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, यानी ये त्रिविमीय आकार है। कैसे आकार है, त्रिविमीय, यानी इनकी तीन विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आप घनाभ की जैसी कोई आकृति आपके घर पे रहती है, बताइए क्या क्या हो सकती है, बक्सा, एक एक करके बताएंगे। हाँ विनीता बोलो जी, अलमारी, अलमारी, बक्सा, यहाँ पर भी दिख रहा है क्या कुछ ऐसा, कमरा, हाँ जिस कमरे में आप बैठे हो ये खुद एक घनाभ की आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या भी है, ऊंचाई है ना। अगर इस ब्लैक बोर्ड को देखें इसकी भी कुछ मोटाई है, तो ये भी इतना लंबा है, देखो ये दिख रहा है, और इतना चौड़ा है, लंबा चौड़ा और साथ में इतना ऊंचा भी है, क्योंकि ये दीवार से इतना ऊपर उठ गया है ना, तो ये इसकी ऊंचाई, यानी ब्लैक बोर्ड भी आपका जो है, ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी कहें आप, ये भी आपकी एक घनाभ की आकृति है, ठीक है। घन वाली कुछ चीजें देखी है आपने घर में, घन वाली जैसे आपने देखा है एक वो आता है जिसमें आप लूडो खेलते हो डाइस, है ना, वो भी घनाभ की आकृति होती है। और जैसे एक वो आता है जिसमें एक साइड लाल हरा वो मिलाने होते हैं, जी जी, ना जी, देखा आपने मेले में आती है ना क्यूब, ऐसा ये एक साइड सब लाल लाल होने चाहिए, एक साइड पीला पीला होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल क्यूब की शेप का है, किसकी शेप का है, क्यूब की शेप का है ना। अब आप ये देखेंगे हम घन और घनाभ में अंतर क्या है, घन और घनाभ में अंतर बता सकते हो जी, बताओ जी। देखो यहाँ घनाभ में और घन में अंतर क्या है, देखो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग मापती हूँ, है ना। अगर मान लिया ये पांच है, ये चार, ये तीन भी हो सकती है, यानी सब तीनों जो होंगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग मापती होगी, जबकि घन में ये तीनों बिल्कुल क्या होते हैं, घन और घनाभ में यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी घनाभ में, क्यूबॉइड में और क्यूब में तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लंबाई चार होगी तो ऊंचाई भी चार होगी और चौड़ाई भी चार होगी, बराबर होगी। तो घन और घनाभ में अंतर आया समझ में। तो इसके अलावा और भी त्रिविमीय आकार हमारे हैं, जैसे ये क्या है, बेलन, ये बेलन है ना। ऐसी आकृति आपने घर पे देखी होंगी, जैसे आपके घर में क्या क्या हो सकता है, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का घंटा जिसको हम कहते हैं, और बेलन और सिलेंडर और डब्बा, ड्रम भी हो सकता है, बिल्कुल सही, डब्बा भी होता है, कई डब्बे भी आते हैं आजकल गोल गोल। तो ये देखो इसको भी मैं अपनी हथेली पर रख रही हूँ, तो ऊंचा हो रहा है, नहीं हो रहा जी, हो रहा है, तो इसकी कुछ न कुछ क्या है ऊंचाई है, तो ये भी एक कैसी आकृति है बताओ, त्रिविमीय। कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति, क्या थ्री डायमेंशनल शेप, तो इनको हम शॉर्ट में थ्रीडी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, थ्रीडी। त्रिविमीय को क्या सीखा था कल हमने, टूडी। देखो थ्रीडी क्या, ये थ्री का टी आ गया और डायमेंशन का डी आ गया, ठीक है, थ्रीडी फिगर्स, ये सारे थ्रीडी शेप्स होते हैं, कैसे शेप्स होते हैं, थ्रीडी शेप। तो देख रहे हैं आप इस प्रकार की एक चीज और है मेरे पास, ये देखा, ये भी बिल्कुल कैसा है, ये क्या है, कॉक रखने का डब्बा है, ये बिल्कुल कैसी आकृति है, बेलनाकार, कैसी है, बेलनाकार, यानी बेलन को आप इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हो ना, अपनी भाषा में कहते हो ना, गैस का सिलेंडर भरना है तो सिलेंडर, वो भी एक बेलनाकार आकृति है, तो ये भी बिल्कुल देखो है ना वाला शेप है बेलन के आकार का। अच्छा मैं एक और दिखाती हूँ आपको,
ये देखिए ये कैसी आकृति लग रही है आपको? पूजा कैसी आकृति लग रही है? कैसी? त्रिविमीय आकृति कैसी लग रही है? त्रिविमीय। क्यों क्यों बताओ? है ना, ये इसमें कुछ न कुछ क्या भी है? ऊंचाई भी है। इसमें कुछ न कुछ क्या भी है? ऊंचाई भी है। तो ये थ्री डी फिगर है, यानी थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप कह सकते। ऐसी कोई चीज आपने घर में देखी है? क्या बर्थडे की टोपी? बर्थडे की कैप ना, बर्थडे कैप आपने देखी है, सब पहनते होंगे बर्थडे कैप अपने बर्थडे के दिन। तो वो भी बिल्कुल एक। हाँ, और कुछ देखा है? आइसक्रीम, आइस कोन वाली आइसक्रीम लाना मिलते कहते हो ना, क्या कहते हो? क्या कहते हो? कोन वाली आइसक्रीम। तो यही शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। क्या कहते हैं? कोन। क्या कहते हैं? कोन। तो ये भी देखो, जैसे हमने कहा बेलन ना, बेलन को हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ये दो डंडे आपने खींचे, यहाँ पर एक वृत्त की आकृति बना दी और यहाँ पर एक, तो इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। ठीक हो गया। अब देखो एक और हमने कहा शंकु, ये जो बर्थडे की कैप है इसका नाम क्या है? शंकु। इसको त्रिविमी आकृतियों में इसका नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु। और इसको क्या कहते हैं? कहा मैंने कोन। क्या कहते हैं? कोन। आपने ऐसे बना देना है एक ही तरह, और इसको यहाँ मिला दो, और इसको ये आपका बन गया। और एक आकृति और होती है, ये देखिए आपने पहले, यहाँ ध्यान दें सब बच्चे, ये देखा है जी? क्या है ये? है ना, बॉल की आकृति जैसी दिख रही है ना, बॉल जैसा। इसको कहते हैं हम गोला। क्या कहते हैं? गोला। सब पहचानते हैं? तो ये भी एक त्रिविमीय आकार है, क्योंकि ठोस है। देखो आपके घर में बॉल होगी, फुटबॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है ना, तो ये क्या हुआ? ये भी एक ऐसी आकृति है, थ्री डी। कैसी है? थ्री डी है ना। तो आप कर सकते हैं इनको, समझ गए आप कि इनको हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं? बताओ, गुलाब, घन, बेलन, शंकु, गोला, है ना। और भी होती है, लेकिन अभी आप इतनी सीखेंगे। इनको 3D शेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? 3D शेप्स।